नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। बलिया विधायक केतकी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की तरह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई। दरअसल लगातार केजरीवाल पीएम मोदी पर हमलावर हैं, उन्होंने देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री तक बताया है। इसे लेकर बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि ये अभी तो शुरुआत है, राहुल गांधी की सदस्यता जाना हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो कानून बने हैं, कानून के आधार पर काम होता आया है और भविष्य में भी होता रहेगा, और आगे केजरीवाल पर भी ऐसी बात है तो उनका भी मामला कोर्ट में जाएगा और जो भी होगा कानून रूप से होगा। बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी हरी झंडी दिखा दे और ट्रिपल के माध्यम से निकाय चुनाव होना है, तो ऐसे में विपक्ष को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यह विपक्ष के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। यह कहना चाहती हूँ कि एक लोकतंत्र का तमाचा है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कुछ बचा तो है नहीं जो सत्ता के खिलाफ बोल सके। आज चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी सरकार केंद्र और प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाले हाल में यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारते रहते और इस तरह का बेतुका बयान देते रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जितना बड़ा ओबीसी का नेता कौन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज देश का प्रधानमंत्री बनाया है, द्रौपदी मुर्मू जी को, आज वो हमारी राष्ट्रपति हैं, इस देश की महामहिम हैं, उनको भी अगर राष्ट्रपति पद पे सुशोभित किया किसी ने तो वह भारतीय जनता पार्टी है, तो ये इनके पास कोई मुद्दा रहता है? मैडम जी, जिस हिसाब से विपक्ष का प्रधानमंत्री को हमारे आदित्य प्रधानमंत्री बताया है, क्या कहेंगे? क्या उनकी भी सदस्यता जाएगी क्या? जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दूसरे शब्दों से नवाजा, तो उनकी सदस्यता चली गई, जेल जाने वाले हैं। क्या केजरीवाल भी कुछ कहें, वो भी जेल जाएंगे क्या? भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताए हैं ये मोदी। अभी तो यह शुरुआत हुआ है, अभी यह शुरुआत हुआ है और जैसे जैसे समय आएगा, ये देखिए, ये राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है किसी सरकार की, हमारी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो कानून बने हैं, कानून के आधार पर काम होता है और आगे भी भविष्य में अगर केजरीवाल जी के ऊपर भी अगर ऐसी कोई बात है तो उनका भी मामला कोर्ट में जाएगा और जो होगा वो कानूनी रूप से उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज होगा। अब यह तो भविष्य बताएगा, भविष्य के घर। विधायक जी, प्रियंका गांधी ने अपने हमले तेज करते हुए कहा है कि जिस हिसाब से अब मैं यहाँ से चंद कदम दूर पे हमारे पिताजी जो देश के लिए शहीद हुए उनकी उनकी समाधि है और उनके बेटे को देशद्रोही कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कहा कि अब तक कायर प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो विदेश में जाकर अपने देश के खिलाफ गलत बयानबाजी करे, अपने देश का परसेप्शन खराब करे और देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री किसी दल या पार्टी या किसी के नहीं है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आप विदेश में जाकर, यहाँ देश में आप लड़िए ना, आपको जितनी विपक्ष की भूमिका निभानी है आप देश में लड़िए। आप जब विपक्ष विरोध में जाकर आप जब विदेशों में इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के विरोध में नहीं बोल रहे, बल्कि आप इस पूरे भारत देश के गौरव, इस देश के प्रधानमंत्री के विषय में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी को अपने भाई को शिक्षा देने की जरूरत है। जरूर वह शिक्षा दे, जरूरत पड़े तो हम लोग भी उनको कुछ सुझाव देंगे, वो अपने भाई तक इसको पहुंचा।